बाद में बालोतरा जिलों में इन दिनों भीषण गर्मी और लू का दौर चल रहा है। भीषण गर्मी और लू की वजह से कई लोग हीट स्ट्रोक का शिकार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। बाड़मेर के जिला अस्पताल में हीट स्ट्रोक के मरीजों को उपचार के लिए अलग से वार्ड भी बनाया गया है। सोमवार सुबह तक यहाँ 31 मरीज भर्ती हो चुके हैं, जिनका राजकीय चिकित्सालय द्वारा उपचार किया जा रहा है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने जिले में अब तक हीट स्ट्रोक से किसी भी मरीज की मौत से इनकार किया है। बाड़मेर बालोतरा जिले में इन दिनों भीषण गर्मी और लू का दौर चल रहा है। भीषण गर्मी और लू की वजह से कई लोग हीट स्ट्रोक का शिकार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। बाड़मेर के जिला अस्पताल में हीट स्ट्रोक के मरीजों के उपचार के लिए अलग से वार्ड भी बनाया गया है। सोमवार सुबह तक यहाँ 31 मरीज भर्ती हो चुके हैं, जिनका राजकीय चिकित्सालय द्वारा उपचार किया जा रहा है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने जिले में अब तक हीट स्ट्रोक से किसी भी मरीज की मौत से इनकार किया। बाड़मेर CMHO डॉक्टर संजीव मित्तल का कहना है कि गर्मी को देखते हुए कंट्रोल रूम बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग हर परिस्थिति पर तैयार है। 25 मई तक जिले में हीट वेव के 31 मरीज सामने आए थे। फिलहाल बाड़मेर में किसी की भी मौत नहीं हुई है। चिकित्सा प्रशासन ने हीट वेव से बचने के लिए पानी ज़्यादा पीने और खाली पेट नहीं निकलने की सलाह दी। CMHO डॉक्टर मित्तल के मुताबिक हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों के लिए राजकीय चिकित्सालय में विशेष वार्ड बनाया गया है। इस वार्ड में कूलिंग के लिए AC और कूलर लगाए गए। इसके साथ ही पर्याप्त बेड की व्यवस्था की गई है। साथ ही चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ को 24 घंटे राउंड द क्लॉक नियुक्त किया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। हीट रिलेटेड इलनेस को देखते हुए हमने यहाँ CMHO के कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है, जो कि 24x7 रन करेगा। किसी भी तरह की कोई फील्ड में किसी भी तरह का कोई मरीज होगा हीट रिलेटेड इलनेस का, तो हमें 230-462 हमारा कंट्रोल रूम का नंबर है, फोन करके वो हमें यहाँ सूचित कर सकता है। उसके लिए हम एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था कर सकते हैं और उस मरीज को हमारे नजदीकी चिकित्सालय में शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा, हमारी सारे जो चिकित्सा संस्थान हैं उसमें हमने रैपिड रेस्पॉन्स टीम की व्यवस्था कर दी गई है। कहीं से भी इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, हमारी रैपिड रेस्पॉन्स टीम रन करेगी और पेशेंट को नज़दीकी चिकित्सालय में शिफ्ट करेगी। उसके बाद हमारे सभी चिकित्सा संस्थानों में दवाइयों की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। हमने PSC लेवल पर 2 बेड आरक्षित कर दिए हैं, CSC लेवल पर 5 बेड आरक्षित कर दिए हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हमने 10 बेड आरक्षित कर दिए हैं। ज़्यादा होने पर हम पूरा वार्ड भी आरक्षित करने का इसके अंदर प्रावधान है और वो कर रखा है हम लोगों ने, उसकी तैयारी हमने कर रखी है। सभी इंस्टीट्यूट पे, सरकारी इंस्टीट्यूट पे हमने बर्फबारी की सारी समुचित व्यवस्था कर रखी है। हमारे सारे PSC इंचार्ज, हमारा सारा नर्सिंग स्टाफ को हमने BCMO लेवल तक, हमने जो हमारी BCMO की मीटिंग्स होती है उसमें हमने उनको सेंसिटाइज कर दिया है किस तरह से अपने कोई इलनेस के मरीजों का उपचार करना है। अब तक कितने मरीज आ गए हैं और कोई कैजुअलिटी भी देखे? कैजुअलिटी तो अभी तक नहीं है, कोई डेथ अभी तक नहीं है, लेकिन 31 केसेज हमारे कल तक रिपोर्टेड थे और हमारी डेली रिपोर्ट चल रही है। जैसा भी होगा हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। जिला प्रशासन के सहयोग से हम कार्य कर रहे हैं, जिला प्रशासन हमें काफी सहयोग कर रहा है। बाड़मेर में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए चिकित्सा विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन और नगर परिषद भी सतर्क हो गया। प्रशासन द्वारा शहर में टैक्सी घुमाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। लाउड स्पीकर के जरिए अपील की जा रही है कि गर्मी से बचने के लिए दोपहर के समय घर से जरूरी काम नहीं हो तो बाहर नहीं निकले। वहीं गर्मी से बचने के लिए कपड़ा, पानी और धूप का चश्मा पहनकर ही निकले। तबीयत में कमजोरी, चक्कर आने सहित अन्य सहित लक्षण पाए जाने पर टोल फ्री नंबर पर कॉल करें।